पापा मेरे बच्चे पापा पापा मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये क्या है? ओ पापा आप सबसे बेस्ट हो, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये क्या क्या हो रहा है पापा? पापा ये क्या हो रहा है? मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। नहीं पापा रुकिए, पापा को जाने दीजिए। ओइको पापा, ओइको पापा मत जाइए, पापा रुक जाइए, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, पापा वापस आ जाइए, पापा पापा मत जाइए। मुझे छोड़कर मत जाइए पापा, पापा प्लीज रुक जाइए पापा। ओइको ओइको मत जाइए, तुम सपना देख रही हो ओइको, मेरे पास आ जाइए पापा। ओइको ऐसे ऐसे तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुमने बुरा सपना देखा, तुम बड़बड़ा रही थी। मुझे पापा से अभी बात करनी है आइसे, मुझे अभी बात करनी है। बात करो, मैं नजर रखती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके ठीक है। अरे यार तू क्या कर रहा है, ये बेड पर बैठकर खाना अच्छी बात नहीं है, हम पहली बहुत मुसीबत में हैं यार। तूने अपने हाथ धोए क्या? जा हाथ धो। हाँ भाई मैंने धो दिए। फोन मत उठाना, पता नहीं किसका फोन होगा। क्यों? हम लोग घर से भागे हुए हैं और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए हमें फोन नहीं उठाना है। अगर ओइको का फोन हो तो? क्या मतलब ओइको? तूने अपना नंबर दिया है क्या उसे? हाँ दिया है, मैं उठा रहा हूँ। हेलो हेलो पापा। बेटी देखा ओइको ही है। ओइको है? तुम इस वक्त भी क्यों जाग रही हो बेटा? पापा ओइको कुछ बुरा हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया भाई, मुझे भी तो बता, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मैं ठीक हूँ पापा। कहाँ पर हो तुम? मैं ऑर्फनेज में ही हूँ, मुझे बस आपकी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मैं तो ठीक हूँ बेटा। पापा मैंने बुरा सपना देखा। क्या देखा तुमने? पुलिस ने आपको ढूंढ लिया और मुझे दूर कर लिया, हम अलग हो गए, मैं बहुत डर गई थी। अरे डरो मत बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आंसू की तरह आप भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटा। देखो मैं किसी भी तरह तुम्हें वहां से ले जाऊंगा और उसके बाद फिर हम अपने घर जाएंगे और कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। और वैसे भी आयरन मैन और प्रिंसेस कभी अलग नहीं हो सकते है ना, सही कह रहा हूं ना बेटा मैं? कभी नहीं। बिल्कुल। पापा। हाँ बेटी। वो आदमी मतलब जमाल। हाँ क्यों, क्या हुआ जमाल का? क्यों क्या हुआ, क्या हुआ जमाल को? वो आपको कुछ करेगा तो नहीं ना? क्यों बेटा अचानक तुम ये सवाल मुझसे पूछ रही हो? कुछ हुआ है? क्या हुआ? बंद हो गया। हेलो हेलो पापा पापा हेलो। रिचार्ज खत्म हो गया। चलो सोने चलते हैं। थैंक यू आई सर। क्या हुआ, क्या कहा उसने?
हाँ ठीक है ठीक है, शांत हो जा। रिचार्ज खत्म हो गया होगा इसलिए शायद फोन बंद हो गया होगा, और क्या। और उसने जमाल के बारे में क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया यार। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। उसने पूछा कि जमाल मुझे कुछ करेगा तो नहीं, क्यों ऐसा पूछा? भाई अगर जमाल ने वहां जाकर हमारे बारे में उससे कुछ कहा होगा तो। हाँ ये हो सकता है। ऊपर वाले मैं पागल हो जाऊंगा। तू शांत हो जा। मैं पागल हो जाऊंगा यार, मैं अपनी बच्ची को भी नहीं बचा सकता, मैं क्या करूं, पागल हो जाऊंगा मैं। तू शांत हो जा और आराम से बैठ। चल यहाँ बैठ और आराम से बैठ के बात कर। देख हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। ऑर्फनेज से स्कूल जाते वक्त तू उस पर नजर रखना, और स्कूल से ऑर्फनेज जाते वक्त मैं उस पर नजर रखूंगा, ठीक है। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्या कहता है? ये प्लान ठीक है ना? लेकिन सेवगी को पता चले बिना हम लोग स्कूल में कैसे जाएंगे? वो सब मैं संभाल लूंगा, और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, और अब तू परेशान मत हो। सुन अब तू ज्यादा टेंशन मत ले। अंडा खाओ। मुझे नहीं खाना। अगर तुम खाओगी नहीं तो बढ़ोगी कैसे? खाना नहीं खाना, और तुम अपने काम से मतलब रखो। मुझे अंडे खाना पसंद नहीं है। मुझे पता है तुम्हें आधे पके हुए अंडे बहुत पसंद है। पापा नीचे बैठ जाओ, चुपचाप, सबको पता नहीं चलना चाहिए, समझे? और मेरी तरफ देखना मत। देखो मैं वहां जा रहा हूँ, मेरी उंगली को देखो। कुछ मत करो, किसी को शक ना हो, चुपचाप वहां पे चली आना। ठीक है पापा। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची। आ गए पापा। पापा तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कल रात तो तुमने मुझे सच में डरा दिया। डरने की कोई बात नहीं है, बस रिचार्ज खत्म हुआ था। ओके, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पापा। वैसे हम यहाँ से कब निकलेंगे? हम घर कब जाएंगे? आप मुझे यहाँ से कब ले जाओगे? मुझ पर विश्वास रखो, मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ बेटा। सब आपको चोर कहते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे कभी लेने नहीं आओगे। अरे वो तो बहुत बोलते रहते हैं, उन पर यकीन मत करना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, बस सिर्फ ये याद रखो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और किसी से डरना मत, ठीक है? ठीक है। आयरन मैन की बेटी डरती है क्या? नहीं डरती। हाँ ये हुई ना बेटी, ये हुई ना। अच्छा ओइको, हाँ? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। कोई और आया था तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर उस दिन? हाँ आया था। कौन आया था? जानदान दीदी आई थी। जानदान यहाँ पर आई थी तुमसे मिलने? हाँ वो आई थी, पर वो शादी कर रही हैं। क्या कहा? वो शादी कर रही हैं। आपको पता है किससे? क्या बात कर रही हो, किससे कर रही है? उस मुराद के साथ। तुम सच कह रही हो ओइको? हाँ उन्होंने खुद कहा। लेकिन वो मुराद से भला क्यों शादी करेगी? जानदान दीदी उनसे शादी कर रही है ताकि मुझे यहाँ से ले जाए। अगर वो शादी करती है तो मुझे अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो बेटी, अब तुम अपने क्लास में चली जाओगी। अपनी दवाई तो ठीक से ले रही हो? हाँ मैं ले रही हूँ, डोंट वरी, मैं भूलती नहीं। आई लव यू सो मच बेटा। मी टू। आई लव यू सो मच पापा। ठीक है, बाय बाय। ओके गुड बाय। ब्रेकफास्ट का समय खत्म हुआ, स्कूल की तैयारी करो, चलो। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। चल अंदर बैठ जाओ। बाय।
चलो भाई देमिर, अब अपना काम कर लेते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, दवाई टाइम पर दे देना, ठीक है? Okay. वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मिस जानदान, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है बस। ओइकू कैसी है? सुना वो ऑर्फनेज में रह रही है। हाँ, आंसू के जाने के बाद वो उसे ऑर्फनेज लेकर गए हैं, और देमिर का तो पता ही होगा। बहुत ही बुरी बात है, बेचारी बच्ची। पर वो ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देमिर, आपको देमिर के बारे में पता नहीं है? जमाल, ये बताइए, इस बारे में मुझे क्या पता होगा? आपने इस बारे में पहले भी पूछा तो मैं कैसे जान सकती हूँ? नहीं, सच में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक बाप अचानक अपनी बेटी को भूल कैसे सकता है। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून। सी यू। फोन कहाँ है? जानदान दीदी शादी कर रही है, आपको पता है किसके साथ? उस मुराद के साथ।
जानदान। देमिर, तुम यहाँ पर क्यों आए? पागल हो गए क्या? पुलिस लगी है तुम्हारे पीछे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? चंदन, मैं हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए, मैं तुम्हें मेरे बारे में बता भी नहीं पाया। ये सही वक्त नहीं है देमिर, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अभी बात करना ठीक नहीं है। हाँ तुम सही हो, तुम सही हो, पर प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। ओके ओके, मैं सुन रही हूँ, चलो। चंदन देखो, मेरा मतलब है कि अच्छा, जब मैं तुम्हारे घर चोरी करने आया था तब मुझे ये पता नहीं था कि ये हो जाएगा। तुम्हें क्या नहीं पता था देमिर, कि तुम पकड़े जाओगे या मुझे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा? किस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो तो मुझे पता था। ओके, तो क्या पता नहीं था तुम्हें फिर? यही कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। हाँ, मैं चोर हूं, मैं झूठा हूं, बहुत ही बुरा इंसान हूं, लेकिन जब से तुम्हें पहली बार देखा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैंने कोशिश की और मैं तुम्हारे लिए, मेरी बेटी के लिए मैं पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन जब आंसू जिंदगी में वापस आई तो मतलब जब ओइकू ने आंसू को चुना तो मैं फिर से बिगड़ गया था। मैं इतना परेशान था कि मैंने फिर से चोरी शुरू की और मैं उसमें फंसता ही चला गया। जानदान, वो जमाल ने हमको फंसाया, वो एक नंबर का कमीना इंसान है और मुझे पता चलता कि उसका जाल है, बहुत देर हो गई थी। क्या जमाल जाल देमिर पर? जमाल ऐसा क्यों करेगा? हा? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो मेरी वजह से पूरे 8 साल जेल में था, तो वो बदला लेना चाहता है मुझसे। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देमिर, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम उसे क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुराद से शादी मत करना। तुम्हें कैसे पता चला कि क्या क्या तुम ओइको से मिलने के लिए छिपकर ऑर्फनेज जा रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो देमिर? तुम उस छोटी बच्ची को कंफ्यूज कर रहे हो, तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे समझो और ना ही तुमसे माफी की उम्मीद रखता हूँ, पर ये समझ लेना कि मैं खुशी खुशी अपनी बच्ची से दूर नहीं हुआ। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता, और ओइको मेरे पास वापस आएगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और हम पहले जैसी ही जिंदगी जिएंगे। मुझे पता है तुम मुराद से क्यों शादी कर रही हो। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ संभालूंगा, डोंट वरी, मुझ पर विश्वास रखो। देमिर, शायद तुम्हें यहां से जाना चाहिए। हेलो, क्या भाई तुम वो काम कर पाओगे? मैंने कर दिया, हीरे रख दिए हैं और अब हमें जाल बिछा कर जमाल को पुलिस के हवाले करना चाहिए। सही बात है, बढ़िया, बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है डियर। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कहाँ पर है तू? मैं ओइको के स्कूल आया हूँ, मेरा मतलब आई हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत वक्त है। हाँ पता है, उसमें क्या हो गया, सेवगी को देखना था इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। क्या मैं अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या यार? और देख यार, तू प्लीज कुछ गड़बड़ मत कर देना, तेरे प्यार के चक्कर में मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता, समझा? हाँ ठीक है, तू बकवास मत कर, मैंने भेस बदला है, मैं तो खुद को आईने में पहचान भी नहीं पाया। जानता है मैं कितनी सुंदर औरत लग रहा था?
चल चल ठीक है, अब फोन रख, गुड बाय। गुड टाइमिंग सुजन, तुम तो और से भी अच्छी हो, क्या बात है। ये क्या कर रहा हूं मैं। ओ देखो मेरा प्यार चला आ रहा है मेरी तरफ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। टीचर हेलो, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ कुछ देर के लिए? ओके बोलिए, क्या बात करनी है? बाय द वे मेरा नाम सुजन है। मैं सेवगी हूँ। मैं आपसे ओइको के बारे में बात करना चाहती हूँ टीचर। आपको तो पता ही होगा हाल के दिनों में वो बहुत ही परेशानी से गुजरी है वो बच्ची। मुझे सच में बहुत खुशी हुई है जानकर कि किसी को तो ओइको की फिक्र है। बताइए आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस सेवगी, अगर मुमकिन हो या आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या स्कूल के बाद हम कॉफी पीने जा सकते हैं? अगर आप चाहें तो, मेरा मतलब हम ओइको के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली वो अच्छे मूड में नहीं है। ओइको? मुझे तो नहीं लगता, मतलब उसे नई जिंदगी की आदत हो जाएगी, वो ठीक है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ओइको के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। एक्चुअली वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं करती, इसलिए वो खुश होने का नाटक करती है। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा, मतलब आप उसे अच्छे से जानती हैं। वैसे ये मेरा लास्ट लेसन है, इसके बाद हम ओइको डियर देखो। ओइको बेटा, पहचाना? मैं सुजन, तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ, मैं तुम्हें ऑर्फनेज में मिलने भी आई थी। हाँ हाँ, मैंने आपको पहचान लिया, आप उस दिन मुझसे मिलने आई थी ना। वैसे बताइए आज आप यहाँ क्यों आई हैं? अच्छा सवाल था, कितनी प्यारी बच्ची है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तुम्हारी टीचर से कुछ पूछने आई थी कि तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, और मैं जानना चाहती थी कि तुम पढ़ाई में कितना ध्यान दे रही हो। मेरे मार्क्स अच्छे हैं सुजन आंटी। ओ ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, स्कूल छूटने के बाद हम मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके, हम मिलेंगे, सी यू, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय। ओइको, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो। ये तो कुछ नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बच्चा, अच्छा देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरे मेकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं। ओके गुड गुड, अच्छा सुनो अब जल्दी से तुम अपने क्लास में चले जाओ, ठीक है? मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके आंटी, और सॉरी सुजन आंटी। आंटी सुजन तुम्हारे लिए जान भी दे देगी, अब जल्दी से क्लास में जाओ। गुड बाय, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, बाय बाय। वेलकम जमाल। थैंक यू सो मच। नए जगह के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। और क्या पुलिस को पता है? ओह कम ऑन, ऑफ कोर्स नहीं पता। यहाँ स्कूल के बाद वो बच्ची सीधा हमारे पास आएगी, अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। जमा जमाल के लिए कप चाय लाओ।
इनमें से तुम्हारा बेड कौन सा होगा बेटी? अच्छा तो तुम यहां सोती हो। तुम्हें कितनी बार बताया है कि सब कुछ अच्छे से रखा करो बेटा। डायरी, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे घर की भी याद आ रही है। मैं उनके साथ अंडे खाना भी बहुत मिस करती हूँ। मुझे डर लगता है कि पापा के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, शायद आसू को चुनकर मैंने गलती कर दी। अगर उन्हें नहीं चुना होता तो ये सब नहीं होता। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आसू को चुना। तुम्हें चुनना पड़ा? थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा। मिसेस दीदा, हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ डियर, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें पता है ना वो बच्ची ओइकू, तुम्हें पता है ना उसके बारे में? हाँ, उसके पापा पुलिस से भाग रहे हैं, उसकी माँ भी छोड़कर चली गई। ये सब सोच के मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चिंता होती है, बहुत चिंता होती है। सही कह रही हो, है ना? अगर वो आदमी स्कूल में आ जाए और वो भी बंदूक लेके, उसने इन बच्चों के सामने कुछ कर दिया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। ऐसा ना हो इसीलिए तो मैंने कुछ करने का सोचा है। मैंने मैनेजर से पूछा कि क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पेरेंट्स के साइन जमा करूं और उन्हें दे दूं, फिर वो सोचेंगे कि क्या करना है। तुमने सही किया, है ना? अभी मैं पेरेंट्स के साइन ले रही हूं और फिर हम उसे स्कूल से निकाल देंगे, तभी हमारे जान में जान आएगी। ओके, ठीक है ना? ओके, तो साइन करो पेपर पर, यहाँ पर। हम ये जरूर करेंगे। सी यू डियर। ओ डियर, प्लीज यहाँ पर साइन कर दो। चलो, हमारे बच्चों के लिए, ये उनकी भलाई के लिए ही है। सारा सुनिए तो, आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तुम उस ओइको के पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, इतनी प्यारी सी बच्ची है वो, इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है वो। ओइको के पीछे पड़े रहने से तो अच्छा है कि अपनी बेटी को सिखाओ। जुबान संभालो अपनी। तुम ओइको को इस स्कूल से नहीं निकाल सकती, समझी ना? अगर तुमने ओइको के साथ ऐसा किया ना तो याद रखना मैं तुम्हें मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं। कह देती हूँ। हाँ, दो, दो मुझे, दो, ऐसे फाड़ के फेंको। मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं 26 साल की हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी। ये औरत बहुत ही छोटे दिल की है। क्या है ये, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीमत चुकानी पड़ेगी, बेहुदा औरत, बेशरम देंगी। बात कर रही है, बच्चे हैं आसपास, दिमाग से काम लीजिए। आप स्कूल के सामने ये क्या कर रही है मिस सुजैन? मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, चाहो तो तुम उनसे पूछ सकती हो। उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। ठीक है, मैं ओइकू को स्कूल बस तक छोड़ कर आती हूँ, आप यही रुकिए, फिर हम बात करेंगे। तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है,
बस तुम जाकर उस औरत की मदद करो, शायद उसका ब्लड प्रेशर चढ़ गया होगा, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है फिर, चलो सी यू डियर, ठीक से जाना। चलो 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 बेटा, सब ठीक है। चलो बेटा। सुनो और तुमने ऐसा क्यों किया बोलो? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, सच कह रहा हूँ मैं। चलो चलो कूदो। हाँ बहुत अच्छे, संभल के। अच्छा सुनिए, जरा इसका ख्याल रखना। हाँ आप फिक्र मत कीजिए मैडम। मैडम ढंग से बैठी रहो, कहाँ जा रही हो तुम? अल्फर अंकल कहाँ पर है? वो बीमार है। क्या हुआ उन्हें? बस बीमार है, क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हें यहाँ से लेफ्ट लेना था। मुंह बंद करके बैठा नहीं जा रहा क्या? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, रोको गाड़ी। चुप रहो और अपनी सीट पर बैठो। दरवाजा खोलो, चलो खोलो, मुझे उतरना है। मेरी बात सुनो, तुम मुझ पे चिल्ला नहीं सकती, ताकि सीट पर बैठो, जाओ बैठो। हेलो। हाँ वो मेरे साथ है, हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। देखो जहाँ कहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, हम आ रहे हैं। जमाल वो रास्ते में, उन्हें जल्द ही पता चलेगा और वो स्कूल बस का पीछा करेंगे, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना किया, बस को कहीं और छोड़ने के लिए कहा है। जुमा जाओ ले आओ उसे। रुको रुको रुको, मैं जाकर ले आता हूँ उसे। तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, उन्हें लाने दो ना। अब मैं मेरा काम खुद करूंगा, मैं और कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। ओके जैसा तुम चाहो, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं। अरे ऐसे भागो मत वरना गिर जाओगे। एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कर रही हैं? जी हाँ, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? वो अब इस्माइल बीमार है ना, तो उसकी जगह पर मैं आ गया था। तो हमें बताया क्यों नहीं? देखिए वो ऐसे नहीं कर सकता, वो खुद से ऐसे नहीं कर सकता। आपको मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए थी। चलिए मैं आपको मैनेजमेंट से मिलवाती हूँ। अभी? हाँ मैम, एक इशू हुआ है, परमिशन के बगैर ये इस्माइल की जगह काम कर रहे हैं। क्या मतलब स्कूल बस नहीं आई? क्या उसने किसी भी बच्चे को नहीं लिया? ओके मैं अभी बस वाले को कॉल करती हूँ। क्या बात है मैम? स्कूल से बच्चों को नहीं लाया गया, वो अभी आई हुई बच्ची पता है सिर्फ वही बस में चढ़ी, बाकी स्कूल में बस पहुँची ही नहीं। ऐसे कैसे, क्या हुआ था? पता नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पिनार स्कूल बस की कंपनी को कॉल करो। ओके हाँ बोलो डियर। और तूने ओइकू को बस तक पहुँचाया था? ऑफ कोर्स मैंने खुद जाकर उसे बस तक छोड़ा है। काश तू उसे नहीं बिठा था, बस गायब हो गई है। क्या मतलब, कैसे कैसे हुआ ये? मेरा मतलब मैं कुछ समझी नहीं क्या कह रहे हैं। अरे यार बस गायब हो गई है, वो सिर्फ ओइकू को ले गया है यार। ओह नो, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद उसे बस में चढ़ाया था और मेरे सामने वो बैठ भी गई थी। ठीक है अभी क्या, अभी हम लोग होटल में मिलते हैं, चल जल्दी आ जा। ओके ओके डियर, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है बाय। हाँ बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ मिस सेवगी, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मुझे भी जाना होगा।
सो प्लीज एक्सक्यूज मी, कुछ जरूरी बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो फैमिली प्रॉब्लम है। आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू सो मच। मुझे भी। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, निहायत खूबसूरत। फिर मिलेंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। हेलो जमाल भाई। हाँ हेलो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कौन सी जगह है ये? चलो चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी कोई और मदद चाहिए? नहीं ठीक है, मैं संभाल लूंगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वहाँ जहाँ तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या? चलो छोड़ो, गाड़ी में बैठ जाओ, चलो लो पकड़ो इसे। दरवाजा खोलो। जमाल, अगर देखो मेरे पापा को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो गुस्सा होंगे। दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। ओए को चुप हो जाओ। दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, मैं जोर से चिल्लाऊंगी। जो करना है करो। क्या हो गया भाई, कुछ खबर मिली? नहीं यार, किसी का भी फोन नहीं आया। मैं सच में पागल हो जाऊंगा, मेरा सर घुमा जाएगा। ठीक है, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, गुस्सा मत कर। अरे मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ? पहली बात तो मैं यहाँ पर आया ही क्यों? मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ बस। तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है तू? कोई गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं यार, मैं जमाल को ढूंढने जा रहा हूँ, जिलेट को ढूंढने जा रहा हूँ। ओए को जमाल के बारे में बात कर रही थी, शायद उसी बदमाश ने कुछ किया। पहले मेरी बात ध्यान से सुन, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तुझे लगता है अगर जमाल ने किडनैप किया है तो वो उसे क्या अपने घर ले जाएगा या फिर कहीं और ले जाएगा? हाँ चल, अब मुझे ये बता कि जमाल को ज्यादा प्रॉब्लम किससे है? हाँ हमसे। हाँ हमसे, तो वो हमें ही कॉल करेगा, इस बात को भूल गया? बस तू थोड़ा सा शांत हो जा और उसके कॉल आने तक इंतजार कर, ठीक है? चल अब यहाँ आकर बैठ जा, चल। जब पापा को पता चलेगा तो तुम्हें एहसास होगा तुमने गलत किया, और अभी तो पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही होगी, तुम बच नहीं सकते। क्या तुम कभी चुप रहती हो? नहीं। क्या बच्ची है ये? बताओ तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे, और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे और मेरे पापा से? क्यों तुम हमें परेशान कर रहे हो? हाँ चुप रहो ओइको। नहीं चुप रहूंगी। ऊपर वाले, ऊपर वाले, कितनी शरारती बच्ची है ये। चलो बाहर आओ, छोड़ो मुझे, बाहर निकलो, चलो जल्दी। ये कौन सी जगह है? चलो, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी। चलो चलो। धीरे, ये बच्ची भी ना, चलो। मुझे नहीं जाना। अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। छोड़ो मुझे। वाह वाह वाह, ओइकू वेलकम। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो देखना पापा तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ओह बहुत शरारती बच्ची है ये। हाँ बहुत शरारती, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, जब तुम्हारे पापा आएंगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे डर नहीं लगता,
मेरे पापा मुझे बचाएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये तो बस सपने में ही हो सकता है बेटा। क्या कहा, सपने? क्या कर रही हो तुम? अंदर ले जाओ इसे। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, कहा ना छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा, पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जमाल, इसका मुंह बंद करो। बारो, ओइकू, मैं तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूँ, तुम उससे बात करोगी, ठीक है? मैं बात नहीं करूंगी। तुम करोगी? मैं बात नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम उनके लिए ट्रैप बना रहे हो, इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। ओइकू, पिछली बार मैंने तुमसे क्या कहा था याद है ना? तुम्हें याद है हमने पहले बात की थी और तुमने पापा को बताया, फिर तुम्हारे पापा ने आकर मुझे मारा, मैं हॉस्पिटल गया और रिपोर्ट की, अब मैं वो रिपोर्ट पुलिस को दे दूंगा, फिर तुम्हारे पापा अरेस्ट हो जाएंगे और मैं जेल में बहुत लोगों को जानता हूं, वह मैं तुम्हारे पापा को बहुत तकलीफ दूंगा। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मेरी बात सुनी तुमने ओइको? ओके, अब अपने पापा से बात करो, कॉल करो पापा को। ये लो, कॉल करो पापा को। चल मैं जा रहा हूँ। रुक भाई, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, रुक, जरा रुक मेरे लिए, हम साथ चलेंगे, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो देमिर, कैसे हो तुम? जमाल? हाँ जमाल, देखो कौन है यहाँ, वो तुमसे बात करना चाहती है। बेशरम आदमी, तूने मेरी बेटी को किडनैप किया है, देख अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, सुन रहा है तो? हाँ सुना सुना, लो पापा से बात करो। पापा? बेटी तुम ठीक तो हो? हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये बताओ कि उसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें, तुम ठीक तो हो? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं ठीक हूँ पापा, सच में। ठीक है, डरना मत, मैं वहाँ आके तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ये आयरन मैन प्रिंसेस को बचा कर ही रहेगा, ठीक है बेटा? मुझे पता है। चलो बस हो गया मुझे तो, बहुत बातें हो गई देमिर, चलो अब काम की बातें करते हैं। बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? देमिर, तुम खुद को सरेंडर करोगे, तुम भी जेल जाओगे जैसे मैं गया था, जिलेट गया था, बस एक फर्क है, हमारे जैसे तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम अपनी पूरी जिंदगी वहीं काटोगे। तुम्हारे पास 12 बजे तक का टाइम है, अगर 12 बजे तक तुम पुलिस के पास नहीं गए तो तुम कभी भी अपनी बेटी को देख नहीं पाओगे, बाकी सब देखेंगे लेकिन तुम नहीं देख पाओगे देमिर। क्या गारंटी है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे? तुम्हारी बेटी का मैं क्या करूंगा? हा? उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका ख्याल रखूंगा? मेरी बात सुनो देमिर, भूलना मत, आज रात तुम्हारी बेटी यहां तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही होगी।